13 शहरों का सफर, देश के बिजनेस की नई तस्वीर। जुड़िए हमारे साथ मुंबई राउंड में। इंडिया मार्ट प्रेजेंट्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं। एमएसएमई के मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज रुख करेंगे मुंबई राउंड का। सेशन की थीम है मोटिवेटिंग एमएसएमईज, और हमारे इस खास शो में हमें ज्वाइन करेंगे एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी, जो कि मेक इन इंडिया पर स्मॉल बिजनेसेस के बड़े रोल पर बात करने के साथ एंटरप्रेन्योर्स और स्टेक होल्डर्स के सवालों के जवाब भी देंगे। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई राउंड के पहले पार्ट में क्या है खास। एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिखाएंगे रोड मैप। एमएसएमई के सामने चुनौतियों और तमाम मौकों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और आखिर में दिखाएंगे जतिन और अशेष पारेख की सक्सेस स्टोरी। आइए अब हम रुक करते हैं पैनल डिस्कशन का, जहां पर हमने एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र और अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की। नमस्कार मुंबई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसएमई देश के विकास में आज एक अत्यंत क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। ये जरूरी है कि इन उद्योगों को पनपने के लिए और इन्हें माइक्रो से स्मॉल से मीडियम और मीडियम से बिग की तरफ आगे बढ़ाने के लिए सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज हम इस विषय पर, यानी हाउ टू मोटिवेट एसएमईज पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मधुब साहब आपका शुक्रिया। आइए अब हम सीधा इस समय रुक कर सकते हैं दिल्ली का। हमारे साथ एमएसएमई मिनिस्टर श्री कलराज मिश्रा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम के हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम जी बिजनेस में हमें ज्वाइन करने के लिए। मंत्री जी, हम पिछले लगभग 5 साल से देश के छोटे छोटे क्लस्टर्स में जाकर एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। काफ़ी मुद्दों को हमने टच किया है। सरकार ने पिछले दिनों हमने देखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर एक कदम उठाया है। EM1 EM2 जो फॉर्म्स एमएसएमईज के लिए होता था उसे ऑनलाइन किया, उसके बाद उद्योग आधार मेमोरेंडम को लेकर आप आए हैं। इसको किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है कलराज जी? अभी 18 सितंबर को ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मन की बात के अंतर्गत यह अपेक्षा की थी, उसको ध्यान में रखते हुए उद्योग आधार मेमोरेंडम हमने लॉन्च किया है। एक वेब पोर्टल है और इसमें जितनी जटिलताएं थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उन जटिलताओं को कम करते हुए एक पेज का हमने बिंदु बनाए हैं, और उसके आधार पर ऑनलाइन करने के पश्चात सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था की है। पर कलराज जी, क्या ये जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है, क्या ये उन एमएसएमईज के लिए मैंडेटरी नहीं है जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्या उनके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि वो इसके लिए आगे बढ़ें? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। यह एक तरह से यूनिवर्सल है वेब पोर्टल, और बराबर इसको करने के पश्चात, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं उसके जो फायदे हैं ये सबको प्राप्त होंगे। बाकी के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो 2006 के पूर्व जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वो इस प्रकार से चाहे तो करा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। फाइनेंस एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एमएसएमईज के समक्ष। आपने क्या इसको लेकर एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या फीडबैक मिलता है, और इसको एड्रेस करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? ये बात सही है कि एमएसएमई के अंतर्गत विशेष रूप से माइक्रो और स्मॉल दोनों के लिए 1 करोड़ के लोन को कोलेटरल फ्री लोन के रूप में देने का सुनिश्चित हुआ था, और ये भी जो 2010 में टास्क फोर्स बनी थी उस टास्क फोर्स के अंतर्गत रिकमेंड भी किया हुआ था। लेकिन इसमें भी बैंक्स के कारण लोगों को परेशानी जाती है। सर हमारे साथ यहाँ पर मुंबई में एमएसएमईज के एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो भी आपसे प्रश्न पूछें। एनपीए जो इट इज बेसिकली अ सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रीज विच कैन हैपन टू एनी इंडस्ट्री एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कि हमारे पास कोई ठोस उपाय है क्या?
इसके बारे में हमने जो हमारी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है उसके धारा 9 से अधिकार लेकर हमने एक नोटिफिकेशन किया है, रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। जिन यूनिट को लगता हो कि ये एनपीए हो सकते हैं, वे उस यूनिट के लोग बैंक को ये कह सकते हैं कि भाई हम एनपीए होने जा रहे हैं, हमारे बारे में विचार होना चाहिए। बैंक को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा और बैंक इसके लिए अपनी कमेटी बनाएगा और उसमें करेक्टिव एक्शन प्लान के अंतर्गत इसमें बैंक का व्यक्ति रहेगा, राज्य सरकार का व्यक्ति रहेगा और उद्योग का भी व्यक्ति रहेगा जो इस पर बैठकर विचार करेगा कि जो एनपीए होने वाला है, ये एनपीए ना हो पाए इसके लिए क्या क्या सारी चीज की जा सकती है और उसके लिए अवसर प्रदान करेगा। ये अभी हमने 2 महीने पहले 3 महीने पहले ये नोटिफाई किया है। अब मधुब जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मधुब जी आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मंत्री जी, एक छोटे उद्योगों को उनकी सफलता के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से एक बहुत अहम रोल होता है उसका, कि जिसको यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसकी कुछ क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये सर्विस है कि गुड्स है, और इसको एसएमई अगर यूज़ करता है तो उसके ऊपर अधिक खर्चा ना आए, किस तरह से हम इसको सब्सिडाइज कर पाएँ। देखिए, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर के बारे में विशेष रूप से कहा है, ये बात सही है कि एमएसएमई एक तरह से इंटरप्राइज है। इसमें सर्विस सेक्टर भी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। सर्विस सेक्टर के आधार पर भी हम सब्सिडी देते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, अगर लगता है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है तो इसके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं, और उस सब्सिडी में क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है हमारी। जिस तरह से मंत्री जी हम देख रहे हैं जो हमारे भारतीय बाजार हैं, इसमें चीन के उत्पाद एक तरीके से फ्लडेड हैं, छोटे कारोबारियों को कई क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रही है, कई इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी मुश्किल में है, कुछ बंद भी हो गई हैं। मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे एमएसएमईज को, वो क्या उम्मीद करें सरकार से? देखिए, एमएसएमई को तो मैं यही केवल कहना चाहूँगा कि जो उद्यमी होता है, उद्यमी अपने ढंग से अपने निर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को व्यवस्थित तौर पर करे, इस दिशा में प्रयास करता है। सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उसको क्या लाभ प्रदान कर दिया जाए, ये कोशिश की जाती है, उसको अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मूलतः उद्यमी किस दिशा में, किस ढंग से परिश्रम के आधार पर समर्पित भाव से आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें उसके ऊपर निर्भर करती है। अजय ठाकुर साहब का एक प्रश्न है। अजय जी आप बताइए। आदरणीय मंत्री महोदय नमस्कार, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था कि जिस तरह से एसएमई फाइनेंसिंग को डेट मार्केट में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में लिया जाता है, उसी तरह जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहा जाए कि जो वो इक्विटी लेंडिंग है, इक्विटी मार्केट के थ्रू जो वो इन्वेस्टमेंट करें इन एसएमई कंपनियों में, उसको भी प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस दिशा में स्वयं भी प्रयासरत हूँ कि इधर से इक्विटी के आधार पर कंपनीज को सहयोग प्रदान करते हुए हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ये दिशा में हमारा प्रयास है और हम इसको निश्चित रूप से करेंगे। चाइना का एक शहर जहाँ से चाइना मेनली ट्रेडिंग करता है, उसका नाम है ईवू से मैड्रिड के लिए चाइना ने पूरी कार्गो ट्रेन चलाई है, और हर सप्ताह वहाँ से पूरी कार्गो ट्रेन लगभग 60-70 कंटेनर हाई क्यूब वहाँ से जाते हैं और इसी तरह वहाँ से वापस आते हैं। तो हमारी कोई ऐसी प्लान है जिससे हम अपने मध्यम और छोटे दर्जे के जो हमारे निर्यातक हैं उनको एग्रेसिवली बाहर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म दें? देखिए, हमारे यहाँ निर्यात के लिए विशेष तौर पर DIPP के तरफ से व्यवस्था है, कॉमर्स उसके तरफ से व्यवस्था है, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चाइना का आपने उल्लेख किया है, चाइना हमारे यहाँ एंटी डंपिंग कानून का सहारा लेकर अनेक प्रकार की सारी चीज़ें कर रहा है। उसको हम भी किस ढंग से वो व्यवस्थित हो, ठीक हो, हम उसको किस ढंग से रोक सकते हैं, इस दिशा में हमारे तरफ से प्रयास हो सकता है। बाकी का चाइना ने चूँकि अपने हिसाब से हर देश में, जैसा अभी आपने बताया, उस तरह की व्यवस्था कर रखी है, हमारे यहाँ भी बैठकर विचार करने की आवश्यकता है और विचार करने की बात हो सकती है।
इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम जारी रहेगा, फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस स्टोरी। टी मिलेगा, शू मिलेगा, टिश्यू भी मिलेगा। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। Rakia offering a one-window facility for issuing the licenses, giving the business guidelines and the approval processes, it was very easy for us to start the operations in 15 months from the start of the construction. A hai to aastha hai. A hai to assurance. A hai to Agarwal Packers and Movers Limited hai. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 का मुंबई राउंड। आज के सेशन की थीम है मोटिवेटिंग एमएसएमईज। आइए एक बार फिर रुक करते हैं पैनल डिस्कशन का। आइए अब हम शुरू में कमेंट लेते हैं डॉक्टर सिन्हा आपसे। आप बताएं, हमने जिस तरह से 12 शहरों में ट्रैवल किया है और समहाउ फाइनेंस को लेकर अभी मंत्री जी ने भी बताया, वो भी थोड़े कंसर्न थे कि एमएसएमईज को फाइनेंस प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। उसमें कई सारे रीजंस हैं, लेकिन उसमें शायद एमएसएमईज को भी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ टिप्स बता दीजिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने से आपका जो टर्नओवर है, जिस बेसिस पे बैंक रेटिंग करता है, तो रेटिंग में आप अपना जो भी टर्नओवर है बिजनेस का, वो अपने अकाउंट खाते के थ्रू जो है वो रूट करें। ओके, अजय जी आप बताइए, ये आपने प्लेटफॉर्म पर क्या ऑब्जर्व किया है? छोटे कारोबारी जो आपके यहाँ पर लिस्ट हुए हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है, उनकी कंपनी में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि आप प्लेटफॉर्म पर आए? देखिए, दो चीज़ें हैं, जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि एक जो है लिस्टिंग के पहले प्रोसेस और एक लिस्टिंग के बाद के प्रोसेस। शिवखेड़ा साहब ने बताया कि 50% टैक्स भरना पड़ता है, वो एक काफ़ी बड़ा बर्डन होता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो है इतनी प्रॉफिट्स क्यों दिखाएं, हमको इतनी टैक्स की बर्डन लेनी है, उससे अच्छा हम उसको जो है कोई जो है बिजनेस में लगाएं। एक तो वो है, लेकिन जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं तो टोटली जो है आपकी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम टैक्सेशन मॉडल टू वेल्थ क्रिएशन मॉडल, जहाँ पे एवरी इंक्रीज इन 1 crore ऑफ प्रॉफिट जो है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बिजनेस में है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 times to 20 times बढ़ा देती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता है, जिसके चलते कंपनी की जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग देने के लिए जो है ज़्यादा अग्रसर रहती है, उनको पैसे देने के लिए सोचती है। अब राकेश जी का हम रुक करते हैं, हम एसएमईज की बात कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने की। तो राकेश जी, अगर हम नए बाज़ारों की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को लेकर छोटे कारोबारी भी परेशान हैं, बड़े भी, और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी कंसर्नड है, लास्ट मेनी मंथ्स फॉल हो रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में समहाउ हैंडीक्राफ्ट इससे अछूता है, ये ब्रॉडर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये आप किस तरह से रास्ते खोज रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? 2007-08 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन शुरू हुआ, उस समय सभी सेक्टर में और सभी प्रोडक्ट्स में बेसिकली वर्ल्ड ओवर एक भारी रिसेशन था, और उस टाइम हैंडीक्राफ्ट भी उसमें अछूता नहीं था, और हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी बड़ा उस टाइम रिसेशन आया जी। 2 साल तक हमने काफ़ी रिसेशन देखा उसमें, और हमने उस टाइम ये देखा कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 67% एक्सपोर्ट जो है वो USA, कनाडा और यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स को है। दैट मीन्स वो हमारी स्ट्रेंथ थी, लेकिन जैसे ही रिसेशन आया तो हमें लगा कि रिसेशन में के बाद हमें लगा जो 30 साल से स्ट्रेंथ थी वो हमें लगा कि ये सबसे बड़ी वीकनेस है। सो वी आर राइट नाउ एक्सपोर्टिंग टू ऑन वेरी लिमिटेड बास्केट। तो हम लोगों ने देखा कि हमें अपनी टोटल जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बढ़ानी पड़ेगी।
आपने क्या एनालाइज किया? मतलब हमने अलग अलग टॉपिक्स को टच किया, उन पर डिस्कशन हुई, हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया है, इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स ने हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में एमएसएमईज आए हैं। ये आप कुल मिलाकर अब जब आप देखते हैं पीछे, कैसा रहा ये मेक इन इंडिया की जो थीम थी? मेक इन इंडिया का जो थीम है हमारा, वो एक काफ़ी महत्वाकांक्षी टॉपिक है, इट्स वेरी एम्बिशियस थीम। तो इस थीम के लिए सरकार को जो काम करने हैं वो तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है या कोशिश कर रही है करने के लिए। उसमें कई सारी चैलेंजेस हैं उनके सामने, लैंड बैंक अवेलेबिलिटी, टैक्सेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑलमोस्ट मुफ्त में या कई सारे तो बिल्कुल मुफ्त हैं जो अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करना शुरू करें और उसको डिप्लॉय करें तो बहुत मदद मिलेगी। आइए अब हम इस रीजन की सक्सेस स्टोरी का रुख करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 25 साल पहले फेराइट स्ट्रक्चर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लगी ये कंपनी जल्द ही अपने अच्छे काम की बदौलत नामी कंपनियों में शामिल हो गई। आज इस कंपनी की पहुंच सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर, गोवा, कर्नाटका जैसे देश के कई बड़े शहरों तक है। इतना ही नहीं, ये कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की ऑथराइज्ड डीलर भी है। लेकिन इस कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग सेक्टर को हैंडल कर रहे जतिन पारिक का कहना है कि कंपनी के लिए शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रही। वी स्टार्टेड बिजनेस ऑलमोस्ट 25 इयर्स बिफोर फ्रॉम दिस डेट एंड वी स्टार्ट विद द रोलिंग मिल्स। एट दैट टाइम द प्रॉब्लम वाज basically the challenges were with the government licenses and the labor issues were there, but coming out of these challenges we had developed the plan in different segments. अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे रसेश पारेख का कहना है कि मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन भारत के छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। With the make in india concept, even a small chai wala who is an entrepreneur in himself would be getting benefit out of this idea, as new companies would be entering it, all the economy would be rolling it out, and the rotation would start, and it would start so fast that at all levels, all SMEs, even the private sectors would be getting benefit out of it. Jatin aur Rasesh Parekh ab apni company ko international level par expand karna chahte hain, जिसके लिए वो नए आइडियाज पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। फेराइट स्ट्रक्चर स्टील प्राइवेट लिमिटेड को उनके फ्यूचर एंडेवर के लिए इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की तरफ से शुभकामनाएं। तो आइए स्वागत करते हैं जतिन पारिक का और रशेश पारिक का। आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। आप हमें ये समझा सकें, हमने ये जो पूरा सफर देखा है आप और जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, अभी ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, आपके स्पेस पे तो इसका काफी इम्पैक्ट हो रहा है, ये आप कैसे देख रहे हैं जो गतिविधियाँ हो रही हैं, कितना आपके कारोबार पर इसका असर देखा जा रहा है? सी, एज फार एज अ चाइनीज प्रोडक्ट इज कमिंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट वन ईयर, द पीपल आर ऑलरेडी फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज इन अवर स्टील इंडस्ट्री। काफ़ी कंपनियाँ बंद होने की कगार पे है, काफ़ी कंपनियों को इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे कि हर जगह पे चाइना की बात है, लास्ट वीक आई वॉज इन शिकागो and I was visiting one of the bright bar unit. They were the leading manufacturer in America right now, and they are carrying stock of almost 15,000 tons and not able to sell it in the local market. All the raw materials was coming from China, and these people are also facing the same thing all over the world. So abhi jo Kalraj Mishra ji ne bola ki hum anti dumping ki koshish kar rahe hain, kafi product mein already wo log anti dumping la chuke hain, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी है जो उससे भी सस्ते एंट्री डंपिंग और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगने के बाद भी सस्ती आ रही है। आप बता सकें, इनफैक्ट ये जो आप नए बाजारों की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में जाने के लिए, उसके लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, आप जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? ग्रो करने के लिए हम लोग जो अभी फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादातर हम लोग हमारे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नए यूनिट्स डाल रहे हैं, जो एक ही बेस पे हम लोग कस्टमर को जो चाहिए हम लोग सर्व कर पाए।
Normally, in our industry, people sell what they manufacture. But now, with focus, with my elder brother's support, we are focusing on what customer wants. Okay. So we are planning for that. Okay. All the best. आपको हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं. आपका धन्यवाद. मधुब जी, आप टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरह से मंत्री जी को आप बता रहे थे, लेकिन आप ये बताइए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर जो हेजिटेशन होती है, क्या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो ऑफरिंग कर रही हैं, क्या वो थोड़े प्रोडक्ट्स को और सिंपल लेकर आएँ, या कई बार पास एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, इस पूरे में क्या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, इतना बड़ा कंट्री है उसमें जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके ज़रिए उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो क्या वो भी बेटर हो सकता है? मतलब कंपनीज को किस तरह से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए? मेजर डेवलपमेंट इस फील्ड में हुआ है कि अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना है तो अब आपको अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए सारी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है. तो हमने आज के सेशन में डिस्कस किया कि सरकार क्या कुछ कर रही है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही क्या कुछ और किया जाना बाकी है. ईबीएफ के मुंबई के अगले राउंड में हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा से. वो अपने खास अंदाज में एमएसएमईज को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे. अभी के लिए इतना ही. आप हमें सजेशंस और प्रश्न ट्विटर और फेसबुक के जरिए भेज सकते हैं. फिलहाल पूरी टीम की ओर से नमस्कार, गुड बाय. टी मिलेगा, शू मिलेगा, टिश्यू भी मिलेगा. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए. इंडियामार्ट.com काम यही बनता है.